स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल S2T में। आज के शो साइंस थर्सडे में हम बात करेंगे माइक्रो हाइड्रो डैम्स के बारे में। तो आइए जानते हैं। तो आपको पहले आइडिया समझना होगा। जैसे आपको तो पता है हाइड्रो पावर का मतलब होता है चलते हुए पानी से ऊर्जा निकालना। पानी से आप ऊर्जा नहीं निकाल रहे हैं, आप H2O से कुछ नहीं कर रहे हैं, आप पानी में जो एनर्जी है, जो मोशन है, उस मोशन को आप एनर्जी में बदल रहे हैं, मतलब काम की एनर्जी में। तो ये समझिए कि आप ऐसा डैम लिए, उसको छोटा कर दिए, इसी को हम लोग माइक्रो डैम्स कहते हैं, माइक्रो हाइड्रो पावर प्लांट कहा जाता है। और इससे भी बिजली, जैसे डैम से आपका आता है 24/7, इससे भी वैसी ही बिजली आती है। सो दिस पिक्चर तो देखा ही होगा। तो ये काम कैसे करता है, सबसे पहले आप ये समझिए कि मैं इस पर आपको कई घंटों का वीडियो बना दूंगा तो भी पूरा नहीं कर पाऊंगा, बहुत सारे डिज़ाइंस होते हैं इसमें, तो इसलिए उस पर उतना मत जाइए। आप अपने हिसाब से देखिए कि आपको क्या चाहिए, तो उसके हिसाब से डिज़ाइन चुनिए। फिर आप ये समझिए कि सबसे बड़ा अंतर इसमें और बड़े डैम में ये होता है कि डैम में हमेशा रिजर्वायर बना जाता है। तो यानी कि जहाँ पर भी नदी आ रहा है या जहाँ पर भी डैम बनाएंगे, उसके पीछे का बहुत कई हज़ार हेक्टेयर का ज़मीन ये लोग डुबा देते हैं। और ये बहुत बड़ी समस्या है। एक तो आपका ज़मीन का लॉस हुआ, और आप इस तरह से अगर रोक दे रहे हैं तो सेडिमेंट, मतलब जो पानी में जो एक तो समझिए मिनरल्स रहता है, वो अटक जाता है। वो मिनरल्स ही मतलब समझिए नीचे वाले खेतों के लिए ज़रूरी है, नहीं तो खेत बंजर हो जाता है। तो रिजर्वायर का तो पहला वो प्रॉब्लम है कि वो हो गया, दूसरा कि पानी का इतना ज़्यादा पानी वो एक जगह पर रोक दे रहा है कि उसे अर्थक्वेक आने लगता है। क्योंकि अगर कोई फॉल्ट लाइन उसके आसपास भी है, छोटा सा ही फॉल्ट लाइन, कोई मेजर फॉल्ट लाइन, छोटे फॉल्ट लाइन भी, उस पर इतना ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करता है कि स्मॉल स्मॉल अर्थक्वेक आने लग जाते हैं। मतलब रिक्टर स्केल पे वो 6 या 7 पे नहीं आएगा, लेकिन आने लगे, मतलब समझिए ट्रिमर्स आने लग जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करता है। तो ये समझिए कि रिजर्वायर ऐसा नहीं है कि बस अरे हमने पानी एक जगह पे डाल दिया, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। मछली उछली तो समझिए सीधे ख़त्म ही हो गया, क्योंकि जो मछली का आदत है कि वो माइग्रेट करती है एक जगह से दूसरी जगह, वो तो माइग्रेट ही नहीं कर सकता। आपने दीवार बना दिया और रिजर्वायर में अननेचुरल क्रीचर्स आ जाएंगे, जैसे मान लीजिए जो मछली वहाँ पहले थी, अब उनको किसी अलग तरह के, मतलब जो नदी में रहने वाला और तालाब में रहने वाले में अंतर होता है। अब तालाब बना दिया अपने नदी को, तो नदी वाले तो जी नहीं पाएंगे, तालाब वाले उनको ज़बरदस्ती का हड़प लेंगे। तो इस कारण रिजर्वायर को उतना पसंद नहीं किया जाता है। ज़रूरी है लेकिन पसंद कोई नहीं करता है, उसका बहुत नुकसान होता है। तो इस तरह के सेज में जिसे हम कह रहे हैं माइक्रो हाइड्रोडैम, इसका रिजर्वायर लगभग आपको दिखेगा नहीं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये घर है, आप इसके बगल से रोड चला गाड़ी चला के निकल जाइए, आपको पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ था, इस तरह का समझ रहे हैं। छोटा छोटा होता है, तो आपको रिजर्वायर जो बनाया जाता है वो भी तो एकदम छोटा सा बनाया जाता है कि मतलब ठीक है थोड़ा सा पानी इधर उधर आए, मतलब थोड़ा सा अप डाउन हैंडल किया जा सके, लेकिन ऐसा नहीं करते कि हाँ पूरा हेक्टर हेक्टर लैंड फ्लड कर दिए हैं। कर सकते हैं लेकिन नहीं किया जाता है। और इसको बनाने टाइम day 1 से, मतलब जैसे ही आपने कोई इंजीनियर को बुलाया कि मुझे ये बनवाना है, कोशिश किया जाता है कि कम से कम इम्पैक्ट डाले वो पानी पे, क्योंकि आप पानी डिवर्ट कर सकते हैं, रोक नहीं सकते। जैसे नदी में जब भी डैम बनाया जाता है, नदी रोक दी जाती है। यहाँ पे एक छोटे कम्युनिटी को ये लाइसेंस नहीं मिलता है कि ठीक है जैसे ये नदी है, आप इसको पूरा रोक के अपने घर के लिए डैम बना लो, वो नहीं मिलेगा आपको। आप बोलोगे मेरे घर से, मतलब मान लीजिए पहाड़ी एरिया में है और आपका बर्फ वर्फ पिघलता है, तो एक नदी छोटी सी निकल रही है, छोटी सी, मतलब उसका नाम भी नहीं है, लेकिन आपको पता है कि वो 24/7 आता रहता है, हम उस पर कर देंगे। उस पर भी आपको गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी। पानी एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, इंडिविजुअल नहीं उसको कंट्रोल कर सकता। एक कुआं नहीं है जो आप खोद रहे हैं। तो समझिए कि उस पानी पे आपको ऐसा अधिकार नहीं मिलता है कि ठीक है हम पूरा रोक के हम बिजली निकाल लेंगे। आप भले पानी वापस कर दिए, लेकिन वो चूंकि मैंने बताया सेडिमेंट के चलते आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो जनरली होता क्या है कि जब भी अगर आप लीगली बनाना चाह रहे हैं, जो चनाल है या कनाल है, उससे आप थोड़ा सा पानी निकाल लीजिएगा, मतलब 10% या 20% या थोड़ा सा आप निकाल लीजिए, उससे आप बिजली निकाल के वापस पानी डाल दीजिएगा, वो आपको लीगली करने मिला जाता है, लेकिन पूरा रोक नहीं सकते हैं। और अगर पूरा रोकना चाहते हैं तो आपको बहुत ध्यान से लीगल चीज़ समझना पड़ेगा। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, ये काफ़ी छोटा स्केल पे बात हो रहा है, मतलब 100 किलोवाट से नीचे का ही बात कर रहा हूँ मैं। तो इसके फ़ायदे क्या हैं, क्यों हो गया ये करना चाहेगा। पहला आप समझिए पावर बहुत देता है। तो अब मैंने बताया कि 100 किलोवाट तो बहुत नहीं है, तो फिर कैसे बोल रहा हूँ पावर बहुत है। तो आप ऐसा समझिए कि आपके घर में अगर कहीं जगह पे हैं आप, जैसे हिमाचल हिमाचल में हैं कहीं पे, या जहाँ पे आपका मतलब समझिए पानी का नीचे से निकले जा रहा है रोज़ रोज़, वहाँ से आप 2-3 किलोवाट प्रति घंटा निकालने लगे, तो बोले यार वो तो बहुत नहीं हुआ। लेकिन आप ये समझिए 2-3 किलोवाट प्रति घंटा आ रहा है,
आपके घर में 4-5 किलोवाट का कंजम्पशन सिर्फ कभी कभी होता है, जैसे मान लीजिए आप मोटर चला रहे हैं उसी टाइम आप वॉशिंग मशीन भी चलाने लगे, उसी टाइम आप माइक्रोवेव भी चलाने लगे, उसी टाइम आप हेयर ड्रायर भी चलाने लगे, तब जाके ऐसा होगा। नहीं तो जनरली उतना पावर नहीं कंज्यूम होता, स्पाइक्स होते हैं लेकिन जनरली उतना कंज्यूम नहीं होता। तो अगर आपका पावर स्टोरेज सिस्टम है, जैसे मान लीजिए बैटरी बैंक है, तो आप आराम से वो 2 किलोवाट जो आ रहा है उससे आराम से आपका घर चलेगा 24/7, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो पावर बहुत देता है। दूसरा, ये रिलायबल है, मतलब ये सिस्टम इतना सिंपल है कि मतलब समझ रहे हो, आदिम जमाने से हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें सोचने की जरूरत नहीं है। फिर ये 24/7 है। सोलर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो वही था ना कि रात को क्या करोगे, तो आपको ऐसा आराम से मिला सकते कि आपका पूरा शहर चल रहा है रात भर, पता है, क्योंकि ये डैम ही है। आपको इस तरह के काफ़ी जगह मिल जाएगा जो 50 किलोवाट का मिलता है, कुछ कुछ वैसे 10 किलोवाट तक का मिलता है। तो काफ़ी फ़ायदे हैं। तो अगर फ़ायदे हैं तो नुकसान है क्या? हाँ, नुकसान है। इसका सबसे बड़ा नुकसान है कि इसका कॉस्ट और कॉम्प्लेक्सिटी दोनों हाई होता है। आप बोलोगे दाम, अगर आप इसका निकालने का कोशिश करेंगे तो दाम आपका यह आएगा कि जितना सोलर खाएगा लगभग उससे दुगना या उससे आधा, मतलब यही उसका प्राइस रेंज के आसपास रहता है। तो सोलर जितना ही दाम समझ लीजिए बैटरी वैटरी मिलाने के बाद उतना ही आता है। लेकिन आप ये समझिए सोलर लगाने के बाद आप भूल सकते हैं, अरे मैंने लगाया सोलर छोड़ा, इसमें नहीं बोल सकते। इसमें बीच बीच में आपको मेंटेनेंस करना पड़ेगा, ग्रीस डालना पड़ेगा, और कई बार तो बहुत जितना बड़ा सिस्टम होगा उतना ज़्यादा मेंटेनेंस करना पड़ता है। और सोलर में तो ऐसा नहीं है, सोलर 25 साल तक चल सकता है, कोई भी टर्बाइन कितना भी अच्छा हो। पावर प्लांट में भी जो लगाया जाता है उसको भी हर 1-2 साल में निकाल के वापस से रीबैलेंस किया जाता है, उसको ठीक किया जाता है, तो वो सब करना पड़ता है। इसमें उतना सीरियस नहीं है, मतलब रिफाइन नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आपको बीच बीच में मेंटेनेंस करना पड़ता है। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी के मामले में ये कोई सिंपल चीज़ नहीं है, लगा के भूल नहीं सकते। फिर रेगुलेशन, ये सबसे बड़ा समस्या है कि मान लीजिए अगर आपको मिल भी गया जगह, आपने ज़मीन खरीदा, प्लॉट खरीदा कि पहाड़ी एरिया में प्लॉट खरीदा था, वहाँ से मतलब समझिए कनाल आ रहा था, मतलब कुदरती इंसान ने बनाया नहीं, किसी ने पहले बनाया था, आपका आ रहा था, आपने बोला ठीक है हम इस पर छोटा सा बांध बना लेते हैं अपना काम के लिए, तो गवर्नमेंट आपको करने नहीं देगा। रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट है इस मामले में, इसलिए अगर आप कभी सोच भी रहे हैं या इसके मामले में थोड़ा सा आपका विचार भी है तो प्लीज़ ध्यान दीजिए, रेगुलेशन कोई हल्का चीज़ नहीं है। क्योंकि मैंने बताया पानी हर मतलब पानी किसी का अधिकार ना होने के चलते सबका अधिकार हो जाता है। तो ऐसा हो जाता है कि मतलब गवर्नमेंट जब चाहे तब डिसाइड कर सकती है। अब गवर्नमेंट ऐसा भी डिसाइड करती है, जैसे मान लीजिए कनाल है वो गवर्नमेंट आप कर रहे थे, आप लीगली कर रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला कि अरे यार यहाँ बड़ा डैम बना देते हैं, ज़्यादा पानी है, ठीक है आपने मतलब आपके कनाल से पहले डैम बन गया, ले आपका कनाल गया, आपके बाद बन गया, वो पूरा एरिया फ्लड कर दिया, काम खत्म। तो इस कारण से आपको ये समझना पड़ेगा कि रेगुलेशन को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अब आप बोलोगे नहीं हम मान लो जंगल में रह रहे हैं जहाँ कोई नहीं आता देखने, आज नहीं आ रहा 10 साल बाद तो आएगा, 20 साल बाद तो आएगा, मतलब इसीलिए ये बात आपको ध्यान देने की, रेगुलेशन पहले से करना, और घूस देके करने की बेवकूफ़ी मत कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही वो अफसर बदलेगा या जैसे ही पार्टी बदलेगी आप वापस लटक जाओगे। तो इस कारण से रेगुलेशन बहुत दिमाग खाता है। मतलब सोलर में तो आपको सोचना ही नहीं, आप खरीदो लगाओ काम खुश रहो, ये बहुत ज़्यादा समस्या देता है। दूसरा मतलब तीसरा यानी आखिरी बात, आप जैसे सोलर हर जगह लगा सकते हैं, लगभग 90% जगह पे सोलर लगा सकते हैं, विंड भी आप काफ़ी जगह पे लगा सकते हैं, ये इक्का दुक्का जगह पे कहीं कहीं लगाया जा सकता है। मतलब आप खुद ही सोचिए ना, कितने लोग आप में से ऐसा जगह को जानते हैं जहाँ पे कि हाँ अरे मेरा घर है यहाँ पे, ये गांव में या यहाँ है कि इसके बगल में ये चल रहा है, चल रनिंग वाटर चाहिए, तालाब उलाब नहीं, रनिंग वाटर चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि ये कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो आप लिख के मतलब गारंटी दे सकते कि हर जगह मिल जाए। लोकेशन के मामले में पूरा ये प्लैनेट पे देखिएगा तो सिर्फ इक्का दुक्का जगह पे आपको मिलेगा वैसा सिचुएशन। तो फिर हम लोग भविष्य में क्या उम्मीद कर सकते हैं? पहला ये समझिए कि जो जो छोटी छोटी कम्युनिटी है, जैसे अपने कम्युनिटीज़ जो पहाड़ी एरिया में रहते हैं, छोटे कम्युनिटी जो बहुत बड़ा नहीं है, बड़े बड़े शहर की बात नहीं कर रहा हूँ, वो सब इससे काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे वीडियो दिए हैं, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप देख सकें उस सबको। तो जैसे नेपाल का मैं एक एग्जांपल देता हूँ, नेपाल ऐसा जगह पे फंसा हुआ है कि मतलब इसके पास तो कुछ है ही नहीं, ना तो इनके पास पैसा है, ना तो इनके पास मतलब समझिए कोल और गैस ये सब का ऑप्शन है, तो पावर प्लांट कैसे बनाए? तो बताता है डैम बनाओ। चलो मान लीजिए ये लोग डैम बना दिए तो समस्या हो जाता है कि डैम से आप बना भी लिए, खूब पावर मिल गया क्योंकि इनके पास खूब पानी है, ठीक है। अब उसके बाद तिगड़म ये हो जाता है कि वो डैम से बिजली इधर से उधर कैसे करेंगे? मान लीजिए यहाँ पे उन्होंने इस रिवर पर डैम बनाया, यहाँ पे कैसे लाएंगे? क्योंकि आप समझ सकते हैं कि हम इंडिया में तो वो सीधा एक फ्लैट एरिया है, आराम से मतलब पावर केबल लगा दिए, वहाँ पे तो पता समझ रहे पहाड़ में ही है, तो पूरा पहाड़ में आप पावर ट्रांसमिशन लाइन कैसे डालिएगा? तो
और नेपाल उतना पैसा रखता भी नहीं है कि उतना बड़ा प्रोजेक्ट ले सके। तो नेपाल जैसे जगह पे कि काफ़ी कम्युनिटी को, एक आदमी को नहीं, कम्युनिटी को आके साथ में ये कर सकती है कि, और गवर्नमेंट भी हेल्प कर रही है कि ठीक है आप छोटा छोटा जो ये पानी जिससे आता है, जिसे फसल वसल लगाया जाता है, उसको मतलब छोटे छोटे डैम्स बना के, छोटा मतलब 50-60 किलोवाट का। तो आप बोलोगे 50-60 किलोवाट तो बहुत नहीं है, हम लोग शहर में रहते हैं, आदत ख़राब हो गया इसलिए 50-60 किलोवाट बहुत नहीं है। लेकिन समझिए जहाँ कुछ नहीं है, जहाँ कोई बिजली नहीं है, वहाँ 50-60 किलोवाट जो डेली आ रहा है, पर घंटे आ रहा है, बहुत ज़्यादा है। और ये लोग स्टार्टिंग से ही काफ़ी चीज़ सही करते हैं, जैसे कि ये लोग स्टार्टिंग में बल्ब तो खरीदेंगे ही नहीं, जैसे हो चुका है नेपाल में काफ़ी जगह पे ऐसा हुआ कि जहाँ पे इनको स्टार्ट करना था, पहले दिन से ही इन्होंने बोला भाई सब लोग LED लगाओगे, फ्रिज व्रिज कोई नहीं खरीदेगा, फ्रिज सीधे जाएगा वहाँ फार्मेसी में, यानी जहाँ दवाई रखा जाता है, और दूध का जो भी मतलब रिफाइनरी है या आइसक्रीम शॉप है तो वो लोग रखेंगे, हर कोई नहीं रखने लगे। और समझिए वो उतना ठंडा जगह है, उतना फ्रिज का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब जब कम्युनिटी की बात हो रही है तो कम्युनिटी में आप बात कर सकते हैं एक दूसरे से कि हाँ ठीक है भाई तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, मतलब संभाल के कंट्रोल कर सकते हैं। तो उससे इनका फ़ायदा होता है कि वो 50-60 किलोवाट भी बहुत हो जाता है इनके लिए। और मैंने आपको बताया यहाँ ग्रिड बिछाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक छोटा सा कम्युनिटी में बिछाना आसान नहीं हो जाता है। तो ये सब मिलाने के देखने पे आपको ये समझ में आएगा कि काफ़ी जगह पे, जैसे नेपाल खास करके, कि इस तरह की जगह पे काफ़ी इसका पोटेंशियल है। और हमारे इंडिया में भी काफ़ी जगह जो हिमालयस के पास है, जहाँ पे छोटी छोटी नदियाँ बहती रहती हैं, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कम्युनिटी लेवल पे ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। फिर हम बात करते हैं जो पुराने डिज़ाइंस थे वो उतने अच्छे नहीं थे। जैसे अब अगर आप वाटर व्हील पे अगर आप देख रहे हैं, कहीं कोई पुराना वाटर व्हील मिल गया कि ठीक है हम उस वाटर व्हील पे जनरेटर लगाएंगे, 1-2 किलोवाट भी मिल जाए बहुत बड़ी बात होगी। तो समझिए कि पावर इफिशेंसी जो है वो टर्बाइन पे आती है। तो ये टर्बाइन जो आप देख रहे हैं ये नॉर्मल नहीं है, ये आपके डैम में नहीं लगाया जाता, ये टर्बाइन वहाँ लगाई जाती है जहाँ पे वाटर हाइट बहुत हो, यानी पानी ऊंचाई से गिर रहा हो, तो वहाँ पे इस तरह का टर्बाइन लगाया जाता है। तो ऐसे ही आप सोच सकते हैं बहुत सारे डिज़ाइंस होते हैं। तो और कहीं कहीं पर जैसे मान लीजिए पानी एक कनाल में बह रहा है या एक छोटा सा चैनल है नदी में बह रहा है, तो वहाँ इस तरह का डिज़ाइन लगाया जा सकता है। ये डिज़ाइन काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है, इसमें पानी को मतलब समझिए सिर्फ एक चीज़ है, ये सब जहाँ पे लगाया जाता है वहाँ जनरली गियर बॉक्स बहुत सारा तिगड़म रहता है। इनमें ऐसा है कि सिर्फ एक टर्बाइन है और टर्बाइन सीधे जनरेटर घुमा रहा है, और इलेक्ट्रॉनिकली इन्होंने कर लिया है कि जो वोल्टेज आएगा उसको स्टेबलाइज कर देंगे। तो फ़ायदा है कि पानी आ रहा है, और चूंकि ये टर्बाइन सील नहीं है तो मछली इससे जा सकती है। तो मान लीजिए मैंने आपको बताया था लीगली आपको ऐसा अलाउ नहीं करने दिया जाता कि आप मतलब पूरा नदी अपने घर में घुमा लीजिए, क्योंकि इसमें मछली उछली को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तो आप इसको कर सकते हैं। मतलब एक कनाल से थोड़ा सा पानी लीजिए, वो पानी आपका एनर्जी निकाल लेगा, वापस कनाल में डाल दीजिए ताकि आप पे केस ना हो जाए। तो अच्छे अच्छे डिज़ाइन किए जा सकते हैं। और मैंने आपको बताया कि जैसे छोटी छोटी कम्युनिटी की बात की जाए तो वो लोग अच्छे से लीगली ये सब चीज़ कर सकते हैं, और जो लोग अभी स्टार्ट करें जहाँ बिजली नहीं है वहाँ पे ये छोटा पावर प्लांट सिस्टम बहुत फ़ायदेमंद होगा। मतलब समझ सकते हैं कि स्टार्टिंग से ही अगर आप कि ठीक है भाई सब लोग एनर्जी सेविंग लगाओ, ज़बरदस्ती का बिजली बर्बाद ही मत करो, मतलब आप समझ सकते हैं एक छोटी कम्युनिटी में ये करना पॉसिबल है, तो उसके बाद काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा ये सब करने से। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन ऑन माइक्रो पावर प्लांट, माइक्रो हाइड्रो डैम। तो उम्मीद करता हूँ आपको कुछ सीखने को मिला हो, कुछ अच्छा लगा हो। अगर ऐसा है तो लाइक कर दीजिए, नहीं लगा है कोई बात नहीं, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। मैं कहूँगा कि आप कमेंट लिखिए अगले एपिसोड में आप क्या देखना चाहेंगे। आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ #ScienceThursday, और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फ्री हैं तो बेल बजा दीजिए। आपने मेरा वीडियो देखा, ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।